भोपाल की उन मंत्रियों की और विधायकों की करेंगे जिनके गढ़ में विधानसभा चुनाव में अच्छी वोटिंग तो हुई लेकिन 6 महीने बाद ही यानी लोकसभा चुनाव में यहां वोटिंग में कमी आ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब प्रदेश के कई क्षेत्रों में बंपर वोटिंग हुई थी, लेकिन इसके ठीक 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो उन्हीं इलाकों में वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। ये गिरावट उन मंत्री और विधायकों के गढ़ में दर्ज की गई है जहां 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग हुई थी। मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्रे, सुदेश राय समेत कांग्रेस विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद के क्षेत्र भी शामिल हैं। दरअसल 6 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें भोपाल की सभी 8 विधानसभाओं में कुल 68.57% मतदान हुआ था। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव में इन्हीं विधानसभाओं में 64.06% मतदान हुआ है, यानी 4.51% वोटिंग घट गई है। विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में सीहोर में सबसे कम 6.11%, बैरसिया विधानसभा में 5.83% मतदान कम हुआ, भोपाल उत्तर में 3.55%, नरेला में 4.68%, भोपाल दक्षिण पश्चिम में 2.78%, भोपाल मध्य में 4.11%, गोविंदपुरा में 1.64%, हुजूर में 4.78% मतदान कम हुआ है। साफ है इन आंकड़ों को देखा जाए तो मौजूदा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कम मतदान प्रतिशत दर्ज किए गए। दरअसल भोपाल संसदीय सीट पर 7 मई को हुए मतदान में वोटिंग बढ़ने का 15 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। भोपाल में 15 साल बाद लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की डेटा रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट पर 45.07% मतदान हुआ था। 2019 के चुनावों में यह बढ़कर 65.65% हो गया था, लेकिन 7 मई को सिर्फ 64.29% मतदान होने से चुनाव दर चुनाव वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी के ट्रेंड पर ब्रेक लग गया है। साफ है भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने की तमाम कोशिशें की गई हैं, जहां चुनाव आयोग ने कई लोकप्रिय अभियान चलाए लेकिन पिछली बार की तुलना में वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं हो सका, जिसकी वजह से भोपाल संसदीय सीट पर पिछले 15 साल में हुए 3 लोकसभा चुनावों में मतदान बढ़ने के बजाय घटने का नया रिकॉर्ड बना है। टीम न्यूज़ स्टेट।